डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रोफिल एंड इट्स रोल इन बॉडी। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। न्यूट्रोफिल दरअसल में एक किस्म है वाइट ब्लड सेल्स की। न्यूट्रोफिल को ग्रेन्यूलोसाइट भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल दरअसल में बनते हैं बोन मैरो में और इसकी ज़िंदगी का जो दौरानिया होता है जिस्म के अंदर, खून के अंदर, तो वो 8 घंटे का होता है और तकरीबन रोज़ाना हमारे जिस्म में लगभग 100 बिलियन न्यूट्रोफिल जो हैं वो रोज़ाना बनते हैं। बात करते हैं न्यूट्रोफिल के स्ट्रक्चर पर, साख्त पर, तो न्यूट्रोफिल दरअसल में एक गोलनुमा सेल होता है और इसका जो साइज़ होता है वो 8 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है तो वो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल का, और इसमें जो लोब्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो वो जेनेटिक मटेरियल की मदद से जुड़े होते हैं और उस जेनेटिक मटेरियल को कहा जाता है स्लेंडर स्ट्रैंड्स या फिर क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स। न्यूट्रोफिल के साइटोप्लाज्म के अंदर पर्पलिश ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और इन ग्रेन्यूल्स को प्राइमरी ग्रेन्यूल्स या एजेरोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं तो ये माइक्रोबियल सेडल होते हैं, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मारने में बहुत मदद मुहैया करते हैं। बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है, ये क्या काम हमारे जिस्म में करते हैं। तो जब भी हमारे जिस्म में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरिया वायरस दाखिल होते हैं तो ये इम्यून सिस्टम का पहला सेल होता है जो उसके खिलाफ उभरता है, आता है और मुकाबला करता है। ये जिस्म के बाकी सेल्स को भी सिग्नल करता है कि आए और वो मदद करें मारने में वायरसेस के और बैक्टीरिया के। ये पहला सेल होता है जो कि पस में मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया और बाकी जितने पैथोजेंस हैं तो उसको इनगल्फ करता है और फिर अपने जिस्म के अंदर उन्हें ख़त्म करता है। अगर इसके नॉर्मल रेंज पर हम बात करें कि खून में इसका नॉर्मल रेंज क्या है, तो 55 से लेकर 70% तक न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे खून में। कुछ टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हाई और लो न्यूट्रोफिल्स के लिए। तो अगर न्यूट्रोफिल्स की तादाद 70% से हमारे खून में ज़्यादा होगी तो इस हालत को कहा जाता है न्यूट्रोफिलिया, और अगर न्यूट्रोफिल की तादाद हमारे खून में 55% से कम होगी तो इस हालत को कहा जाता है न्यूट्रोपिनिया। बात करते हैं कि हमारे खून में न्यूट्रोफिल्स की तादाद नॉर्मल से क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिलिया या हाई या इंक्रीज न्यूट्रोफिल क्यों हो जाते हैं, तो उसकी कुछ वजह हैं और वो वजह हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंजरी, सर्जरी की वजह से, स्मोकिंग, हाई स्ट्रेस लेवल, एक्सरसाइज की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए तो तब, अगर स्टेराइड का इस्तेमाल किया जाए हार्ट अटैक की वजह से, या अगर मरीज़ को क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया हो, तो ऐसे वजूहात की वजह से न्यूट्रोफिल्स की तादाद खून में 70% से बुलंद हो जाती है। अभी बात करते हैं कि खून में न्यूट्रोफिल की तादाद 55% से क्यों कम होती है, न्यूट्रोपिनिया या लो न्यूट्रोफिल की वजूहात क्या हैं। तो इसकी वजह है कि अगर किसी मरीज़ का इलाज चल रहा हो कीमोथेरेपी का सेप्सिस में, या अगर मरीज़ का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में, अगर बोन मैरो मरीज़ का काम छोड़ दे ल्यूकीमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया में, फिब्राइल न्यूट्रोपिनिया में, हेपेटाइटिस ए बी और सी में, और HIV एड्स में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।